क्लियर केस ऑफ फॉल्स इंप्लीकेशन। आई यू कौन है? बाय मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक से नजर की थोड़ा चूक हो गई। टाइपराइटर था उस समय, रात्रि का टाइम था और सर थाने पर भीड़ भी ज्यादा थी, गनशॉट का मामला था, तो सर बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा टाइप हो गया। पूरा तरह डिफरेंट है ना, विकास चौक से जब विकास और कुछ ले गया होता तो चलो ठीक था, तो अजय कुमार बिल्कुल डिफरेंट है, ये कैसे टाइपिकल मिस्टेक है? आपकी थोड़ी सी गलती कारण कितना कॉन्ट्रडिक्शन इसमें आ गया, सलाह तैयार कर दिया कि कुछ छूट जाएगा, इंटेंशनली ऐसा किया गया ऐसा लगता है। शुरू से ही झूठ को बचाने के लिए या झूठा पछताने के लिए? आप एक बार थोड़ा सा, अब आपसे नहीं पूछ रहे हैं ना, बताइए इतनी बड़ी गलतियां सेशंस ट्रायल केस में आपने कहीं अब तक लिखा है डायरी में कि मिस्टेक हुआ है? बोर्ड के नजर में आया तब ये बातें आ रही है, आपके नजर में तो अभी तक नहीं गए होंगे, क्यों बोलिए क्या कहना है आपका? पर्सनल मिस्टेक तो नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से। बाय द ऑनरेबल कोर्ट एज दी देयर इज अ मिस्टेक्स इन द एफआईआर, आई आर्ग्यू बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट इट्स अ प्योर क्लियर केस ऑफ फॉल्स इंप्लीकेशन। इंजर्ड इज विकास, FIR lodged by some Ajay Kumar. Honorable Court calls the IO to explain under which circumstances this mistake has been done by the prosecution. Yeah, date of incident. Sir, 13/9/23 का incident बताया sir. If your lordship see the FIR, तो FIR में तो ये प्रतीत हो रहा है कि अजय कुमार के साथ ये घटना हुई है। मैं पढ़ देता हूँ सर FIR। आज दिनांक 13/3/2023 को, ये भी सर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ बोल रहे हो 13/3/2023, मैं अपने साथी कौशल के साथ मरी माता से अपने ऑफिस स्वयं की मोटरसाइकिल स्वयं सो से जा रहे थे, गाड़ी में स्वयं चला रहा था, तो हम अरविंदो हॉस्पिटल होते हुए पुलिस सहायता केंद्र होते हुए HDFC बैंक के पास पहुंचे तो पीछे से आवाज सुनाई दी, मैंने गाड़ी धीरे से राइट तरफ देखी तो एक बाइक पर दो व्यक्ति बैठे थे जिसे पीछे वाले व्यक्ति को मैं जानता हूं, जिसका नाम सुमेर त्रिवेदी है, प्रेजेंट एप्लिकेंट। गाड़ी चलाने वाले को मैं नहीं जानता, उन्हीं में से एक बाइक और थी जिस पर महेंद्र त्रिवेदी बैठा हुआ था, तीनों ने एक साथ मुझे रोककर गालियां दी और कहने लगे प्लाट के पैसे का हिसाब कर, अभी हमारे साथ बाइक पर चल। जब मैंने वह साथी प्रकाश ने इस बात का विरोध किया, प्रकाश इज ऑल्सो वन ऑफ द आई विटनेस, सुमेर त्रिवेदी ने अपने हाथ में ली बंदूक से जान से मारने की नीयत से गोली चलाई जो मेरे बाएं पैर पर आके लगी, इसी बीच प्रकाश ने मुझे बचाने का प्रयास किया, पर इसमें इंजर्ड जो है वो विकास है, अजय तो कोई है ही नहीं, पूरी प्रोसिक्यूशन के केस में कोई अजय नहीं है, आई विटनेस एक ही है, पर इन्होंने सुनील को भी आई विटनेस बनाया था, सुनील को, जबकि सुनील का नाम FIR में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। सुनील ने घटना दिनांक 13/8/23 बताई है सर, ये चौथी डेट हो गई सर इस पूरी केस डायरी में, और मेरा आर्ग्यूमेंट भी यही है कि ये पूरा फॉल्स इंप्लीकेशन का केस है, विकास चौक से और इसके प्रेजेंट एप्लीकेंट के बीच में एक प्लॉट का विवाद चल रहा है जिसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट की रिलेटिव है ममता त्रिवेदी, उसने FIR दर्ज कर रखी, उसमें ये जेल गया था 3 साल के लिए, और उसके खिलाफ लगभग 5 से 6 मुकदमे पेंडिंग है सर विकास चौक से इंजर्ड के खिलाफ, तो इसने पूरा मैनेज करके ये फॉल्स FIR दर्ज कराई है, इसको इंजुरी भी जो है 3 mm की सिंपल इंजुरी की नेचर है। सर महेंद्र है, चोट है तो कहाँ पर है सर? चोट इसको पैर के पास में है, 3 mm की चोट है, विच इज सिंपल इन नेचर, चोट नहीं मतलब गनशॉट इंजरी हो, गनशॉट की चोट, इसलिए सर हमने पुलिस को अभ्यावेदन भी दिया था कि इसकी जांच हो, ये पूरा फर्जी केस दर्ज करा है, पेट नंबर 10 पर मेरे से बताइए आईयू कौन है? प्रेजेंट ऑन दिस ऑनरेबल कोर्ट मैन, आईयू बताएंगे ज्यादा बेटर बताएंगे, मैं तो इसीलिए बुलाया गया है। तो FIR है, का नाम कैसे आया इसका? सर ये बाय मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक से नजर की थोड़ा चूक हो गई। सर जो देहाती नालसी से FIR रजिस्टर की गई थी, देहाती नालसी में 4 जगह डेट का मेंशन हुआ है, 3 जगह 13/9/23, 4 जगह 13/9/23 मेंशन है, 1 जगह सर बाय टाइपिंग मिस्टेक 13/3/23 सर टाइप हो गया है। अजय कुमार और सर जो देहाती नालसी है सर वो विकास चौक से, उसमें मजरू है देहाती नालसी में, लेकिन सर जो टाइपराइटर था उस समय रात्रि का टाइम था और सर थाने पर भीड़ भी ज्यादा थी, गनशॉट का मामला था, तो सर बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा टाइप हो गया है। पूरा तरह डिफरेंट है ना, विकास चौक से जब विकास और कुछ ले गया होता तो चलो ठीक था, तो अजय कुमार बिल्कुल डिफरेंट है, ये कैसे टाइपिकल मिस्टेक है? और डेट ऑफ इंसिडेंट में विकास और सुनील डिफरेंट है,
आप तो क्रिमिनल केस जानते होंगे ना कि आपकी थोड़ी सी गलती कारण कितना कॉन्ट्रोडिक्शन इसमें आ गया। विकास का जो डीडी लिया है इट इज मतलब रिलेवेंट ऑफ 39 2020 आल्सो। हम वो नहीं कर रहे हैं जो कॉन्ट्रोडिक्शन है ये बताइए ना। मैं तो ऐसा मसाला तैयार कर दिया कि कुछ छूट जाएगा, इंटेंशनली ऐसा किया गया ऐसा लगता है शुरू से ही, न्यूज को बचाने के लिए या झूठा फंसाने के लिए। तो देहाती नाल ये लिखा क्यों नहीं आपके डीजीपी को ये अक्षम है, योजना अधिकारी जो है योजना कार्य के लिए अक्षम है ये। आप एक बार थोड़ा सा अब आपसे नहीं पूछ रहे हैं ना, बताइए इतनी बड़ी गलतियां सेशंस ट्रायल केस में आपने कहीं अब तक लिखा है डायरी में कि मिस्टेक हुआ है? कोर्ट के नजर में आया तब ये बातें आ रही है, आपके नजर में तो अभी तक नहीं गए होंगे। क्यों बोलिए क्या कहना है आपका, टैक्सल मिस्टेक तो नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से, ऐसा होता है टैक्सल देहाती नालसी में सर एक बार देखें तो सर हाँ। सारी जगह 13 नोटिस लिखा हुआ है और मजदूर विकास चौक से लिखा हुआ है, देहाती नालसी पर से ही FIR होगा ना। हाँ मैडम इसकी जो लास्ट सेकंड पेज पे कुछ किया है इसके खिलाफ जो इस टाइप से गलतियां किया है? मैंने तो FIR आपका देहाती नालसी से और मजदूर के मैंने बैंक में जो आ रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन, गलती एक बार हो सकती है, चार बार हो रही है, सुनील में 13-8 आया है, प्रकाश में 13-5 आया है, 13-5 और 13-8 कैसे है, और FIR में 13-3 है। FIR तो चलिए वो उसके आधार पर है तो मान सकते हैं FIR में गलती हुआ है, मेन FIR तो देहाती नालसी हो गया, ये कैसे हो गया कॉन्ट्राडिक्शन 13-8 और 13-5 हमसे मांगे क्या करेंगे, जिसके प्रति किए हैं उससे अपॉलॉजी मांगिए ना, कोर्ट से तो FIR ने किया नहीं है, कोर्ट स्पष्टीकरण ले रही है आपकी, टाइपिंग मिस्टेक की है मैंने, आपके इस मिस्टेक से केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गंभीर अपराध की FIR थी आपके पास 360 का, वही मेरा कहना सर, न्यायालय संदेह का लाभ देकर ही किसी को संदेह का लाभ ये शब्द यूज किया जाता है, तो क्यों ना इसी आधार पर मुझे बेल दी जाए, यही मेरा निवेदन है सर। मैं 10 बार से मैं कस्टडी में हूँ, कस्टडी है आप सर, मेरी दिसंबर से कस्टडी है, 4 दिसंबर 2023 से मैं कस्टडी में हूँ, सिंपल इन नेचर इंजुरी और पूरा केस डाउटफुल है सर, तो नॉन वाइटल पार्ट पर चोट लगी है, तो मैं तो सर इसी आधार पर इनकी जो क्षमा है इनको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ इसको बेल दे दीजिए। आपको क्या मतलब है कार्रवाई होने से आपसे कोई मतलब तो है नहीं? हाँ खैर मेरे से नहीं, वो तो खैर ऑनरेबल कोर्ट का वो है, क्योंकि इतनी सारी गलतियों के बाद तो सर दृष्टिकोण से इनको ऐसे ही बकस दें अपन, मैलेट सेशन स्टाइल केस छोटा मोटा मजिस्ट्रेट ट्रायल चलो ठीक है, इन्होंने क्या ऐसा कर दिया बताइए, कोई सिमिलरिटी नहीं है, महीना में ये गलती हो सब कुछ गलत है सर, टाइपोग्राफिकल एरर होता है एक बार होता है, दूसरी बार भी मान लेते हैं, यहाँ 4 या 5 बार गड़बड़ है, 5 लिख रहे हैं, घटना है 13-9-23 का, गवाही में 13-5-23, एक में 13-8-23, नशा करते हैं हमेशा नशा में रहते हैं, यहाँ पे योजना आता नहीं है इनको करने के लिए, मैच नहीं करते अर्लियर FIR में डेट क्या है, और आप विवेचक हैं आपसे हैं सर इसमें।
से हैं, नौकरी में कब से हैं आप? 6 साल में, 5 से 6 साल बताइए, 6 साल में आपसे क्या अपेक्षा, यही अपेक्षा की जाती है। इस केस को तो चौपड़ कर दिया आपने, आप ध्यान रखेंगे ठीक है। क्या नाम आपका? सचिन त्रिपाठी। किस पद पर हैं? उप निरीक्षक। कहाँ घटना है ये, कौन थाना? ये बाणगंगा। बाणगंगा इंदौर का ही थाना। मतलब बेलास्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। वो तो आपका प्रोसिक्यूशन का पूरा गलत हो गया। इसीलिए इतनी सारी गड़बड़ हुई कि एफआईआर कौन लिखाने गया, तो ईडी में भी आप देख यार सही है, देहाती नालसी है। हाँ। बाकी डेट में और उसमें जो है और एफआईआर दर्ज करने वाली गलती है, बिल्कुल सही। हाँ, उसको चेक करना था, देहाती नालसी नकल होना चाहिए सीधे सीधे। तो अगर गलती हुई तो गलती सुधारने का कोई आवेदन होना। और मैंने इसमें जो है उससे वेपन भी सीज किया है, उसकी रिपोर्ट अवेटेड है, उससे गनशॉट इंजरी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी आया, वो भी सीज किया है। आप पहले इसको सुधारिए, ठीक है, कोर्ट को कितना बताएंगे आप, सुन लीजिए, सुनना है।